गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी एक विश मतलब बहुत दिन की विश पूरी होने वाली है एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड। सीरियसली वो नहीं होती तो शायद ये विश इतना जल्दी पूरा नहीं होता एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना एंड वन मोर थिंग गाइज कि 22 अगस्त को हमारे चैनल को पूरे 1 होने वाले हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू 300 सब्सक्राइबर्स। सो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी बजा देना ताकि मैं जब भी वीडियो दूँ आप लोग को पता चल जाए। ऑल्सो मैं आप लोग को थोड़ी देर में मिलती हूँ अपने फ्रेंड के घर एंड उसके बाद देखते हैं। चलो सो गाइस मैं वहाँ पहुँच के सबसे पहले ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि अगर पेंट ड्रेस में लग जाता तो ख़राब हो जाता, तो मैंने कैजुअल पहन लिया था एंड उसके बाद मैंने दीवार पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया रफली टू गेट एन आइडिया एंड देन मैंने हल्का हल्का सा ड्रॉ किया ताकि दीवार ख़राब ना हो जाए एंड या गाइज ये मेरा पहला टाइम था जब मैंने वॉल पे ऐसे आर्ट वर्क किया एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड अ बिट नर्वस एज वेल क्योंकि मैंने इससे पहले कोई काम नहीं किया था, कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे नर्वस लग रहा था कि शायद अगर गलत हो जाएगा कुछ तो पूरा वॉल ख़राब हो जाएगा। बट स्टिल रिजल्ट जो आए मैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट वाइल द प्रोसेस मैंने कुछ सीखा, मुझे लगा कि वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी आप वॉल पे आर्ट करो ना, ये पहली तो ये बात ये है कि वॉल की आर्ट और जो पेपर वर्क में हम आर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि आप जब वॉल पे आर्ट करते हो आप एकदम स्ट्रेट सरफेस पे वर्क कर रहे हो, तो अगर भी थोड़ा सा भी आपका कलर का थिकनेस कम हुआ तो आपका पूरा वॉल आर्ट ख़राब हो सकता है। मतलब एक छोटा सा मिस्टेक एंड पूरा आपका वॉल ख़राब हो जाएगा। तो आपको वो बहुत ज़्यादा फोकस और केयरफुल रहना पड़ेगा उसके लिए। एंड सेकेंड कि कलर बहुत जल्दी सूख जाता है, तो अगर कोई मिक्सिंग वाला एरिया आप कर रहे हो तो जैसे कि वो स्टैम्प वाला एरिया पे जब मैं कर रही थी तो वहाँ पे मुझे बहुत स्पीड भी करना पड़ा ताकि वो सूख ना जाए, क्योंकि सूख जाएगा तो फिर ख़राब लगेगा। तो वैसा ऑल्सो आप चाहो तो जब भी आप पेंट करो तो उसके बगल वाले वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप न्यूज़पेपर या फिर पेपर लगा सकते हो क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं तो फिर वो दूसरे वॉल पे चल जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर वो भी थोड़ा सा स्पॉट रह जाता है तो ख़राब लगता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आप लोग ले सकते हो अगर आप भी करो तो। ऑल्सो गाइज मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है, ब्लैक एंड वाइट, वाइट सिर्फ हाईलाइट के लिए यूज़ किया है मैंने और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है। गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं वहाँ से 4:30 तक आ गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फ्रेश होके मैं कब सो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला, मैं थोड़ा देर पहले उठी इसीलिए मेरा फेस का ये हाल है। वेल, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एंड अब तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मेरी कौन सी विश पूरी हुई है। सो या इट वॉज माई वन ऑफ द विश कि मैं वॉल पेंटिंग करूँ एंड दैट वॉज माई फर्स्ट वॉल आर्ट एंड मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू नैन्सी, उसका नाम नैन्सी है, सो थैंक यू नैन्सी फॉर चूजिंग मी फॉर दिस वर्क। इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस एंड जो लोग भी अभी मेरे चैनल पे न्यू है उन लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड जो लोग लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।